शहीद विवेक कुमार का आज होगा अंतिम संस्कार, नम आंखों से दी जाएगी विदाई। टांडा अस्पताल में 15 साल की रेप पीड़ित नाबालिग ने बच्चे को दिया जन्म। गौवंश से क्रूरता के विरोध में इंदौरा में आंदोलन तेज, विहिप कार्यकर्ताओं ने त्यागा अन्न जल। विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस में पकने लगी सियासी खिचड़ी, कौल सिंह बोले वरिष्ठता में वो सबसे ऊपर। पुलिस भर्ती की लिखित परीक्षा की तैयारी करवाएंगी डीएसपी करसोग गीतांजलि ठाकुर। पांवटा साहिब स्थित इंडियन टेक्नोमैक कंपनी की 308 करोड़ की संपत्ति होगी नीलाम। हिमाचल में 3 साल के भीतर फार्मा कंपनियों के 37 दवा सैंपल फेल। एनआईटी हमीरपुर के 2 छात्रों को 1.12 करोड़ के सालाना पैकेज पर मिली नौकरी। देश में ओमिक्रॉन के 9 और मामले मिले, गुजरात के जामनगर में 2 और महाराष्ट्र में 7 केस, केंद्र ने किया आगाह। खुशी मनाते हुए किसानों की घर वापसी शुरू, गाजीपुर बॉर्डर से पहला जत्था बिजनौर रवाना, राकेश टिकैत ने दिखाई हरी झंडी। अगर आप अपने क्षेत्र की कोई समस्या या अन्य कोई खबर सरकार तक पहुंचाना चाहते हैं तो हमसे संपर्क करें। आप अपनी न्यूज हमें भेज सकते हैं ewn24news@gmail.com या व्हाट्सएप नंबर 8988765225 पर।